हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, मेरा यूट्यूब चैनल सैफ MBD। तो आज हम इस किले के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। ये दिल्ली का बहुत पुराना साइट, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी मस्जिद है जो आपको अभी वीडियो में दिखाई देगी। और ये जो सामने की ओर बन रहा है, ये पतली सी दीवार है, मतलब 3 या 4 फीट की दीवार है जिसमें सीढ़ी बनी हुई है ऊपर टॉप पर जाने के लिए। ये है मेन गेट की एंट्री, जो मेन गेट में एंटर होते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक वगैरह रहते थे। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, ये आप जो दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार बाहर से तो इतनी फ्लैट, मतलब इकसार बनी हुई है बाहर से, पर ऊपर से ऐसी उल्टी सीधी रखी हुई है, पर ये जो जोड़ है ये मिक्स करते हैं। तो बड़ा अजीब तरीके से कारीगर होंगे उस टाइम के जो ये दीवार बनाई हुई, तो ये बड़े बड़े पत्थर काट, मतलब जिस चीज़ से भी काटे होंगे वो अजीब तरह के औजार होंगे, क्योंकि ऐसे उल्टा सीधा तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये जैसे ऊपर की दीवार दिख रही है ना आपको बिल्कुल उल्टी सीधी, तो ऐसे साइटों से भी होती है, तो इसलिए अजीब तरह की कटिंग मशीन होगी उस टाइम के ज़माने में, जो कि ये दीवार बिल्कुल फ्लैट इकसार तरीके से बनी हुई है। एक मेन गेट बाहर, किले के बाहर था, और ये एक गेट और है जो ये मेन एंट्री, मतलब जो दरबार जिसमें रहते थे उसकी मेन एंट्री यहाँ से है, क्योंकि यहाँ से आगे को जाना अलाउ नहीं है। इधर को काफ़ी सारे बने हुए हैं कमरे वगैरह, और इनकी प्लास्टरिंग वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। आपको दोहरे चल के दिखाता हूँ। यह भी अजीब तरह के कारीगर होंगे, और सबसे मेन चीज़ ये काफ़ी अंदर तक है, जो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, पर इसके अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, इसके अंदर जाने के लिए भी अलाउ नहीं है। ये देखो किस तरीके से चिपकी हुई है दीवार। ये सारा किला बहुत पुराना है, कम से कम 400 साल पुराना किला बताया जाता है ये, बाकी तो मुझे पता नहीं, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये अब लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी इमारत है, क्या पता कुछ गिर जाए, किसी का नुकसान हो जाए। अच्छा, ये चीज़ समझ में ना आई, ये चीज़ बताना आप किस लिए होती है, जिसको पता हो ये कमेंट करके बताना ये क्या चीज़ है। और बाकी चीज़ मैं आगे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ना मना करने के बाद भी मैंने देखो थोड़ी सी हल्की सी एंट्री लेकर आपको अंदर का नज़ारा दिखाया। ये छोटे छोटे कारागार बने हुए हैं जिसमें कैदियों को अंदर डाल दिया जाता था, और आगे चल के काफ़ी सारा सुंदर महल है बना हुआ, जो इसके अंदर ज़मीन के अंदर ज़्यादा बना हुआ है, ऊपर को कम है, जो ज़मीन में बेसमेंट वगैरह होता है उसके अंदर ज़्यादा है बना हुआ। ये जो मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ पुराने ज़माने के जो सैनिक होते थे वो यहाँ अपनी तलवारों से चलाए करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और ये इनका सामान रखने की जगह है, जो अंदर से काफ़ी नायाब तरीके से बनी हुई है। और ये ऊपर जाने का जीना है, यहाँ से आगे चल के दिखाता हूँ इधर की ओर, एक मिनट रुको, क्योंकि अंदर जाने की थोड़ी अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से अंदर थोड़ी काम भी चल रहा है। ये देखो इसकी बनावट, किस कंक्रीट से ये बनता था, सारा कंक्रीट इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये अब के ज़माने के सीमेंट से नहीं बनता है, ये पहले ज़माने